इसे बेचने ले जा रहे हो क्या? और नहीं तो क्या, इसे फिल्म दिखाने ले जा रहा हूं। अबे 100 रुपए में तो नया बैल आ जाता है, इसकी तो खाल लटक रही है। अबे अपना काम कर। सेक चिल्ली। जी अम्मी जान। बेटा ये ले पैसे, हलवाई की दुकान से मेरे लिए रबड़ी ले आ। रबड़ी? हाँ रबड़ी। अम्मी जान ये रबड़ी होती क्या है? अरे पागल, रबड़ी खाने की होती है, हलवाई की दुकान पर मिलती है। अम्मी जान रबड़ी कैसे बनती है? बेटा बहुत सारी मेवा मीठा दूध एक जगह मिलते हैं, फिर बढ़िया रबड़ी तैयार होती है। ठीक है अम्मी जान, मैं अभी जा रहा हूँ। अरे जरा जल्दी आना। जी ठीक है। क्या मंगवाया था अम्मी जान ने? मैं तो उसका नाम ही भूल गया, क्या करूं याद ही नहीं आ रहा। अम्मी जान से पूछ कर रहा हूं। नहीं नहीं, अगर खाली हाथ घर पहुंच गया तो अम्मी जान बहुत मारेंगी। ये ठीक रहेगा, हलवाई से ही पूछ लूंगा। सेठ जी वो दे दो जो अम्मी जान ने मंगाई है। अरे मियाँ क्या मंगवाया है तुम्हारी अम्मी जान ने? वो दे दो। मगर मियाँ वो क्या? जिसके लिए मुझे अम्मी ने पैसे दिए हैं। अरे मियाँ साफ साफ बताओ तुम्हें लेना क्या है। अरे वही जिसका मैं नाम भूल गया हूं। मगर मियाँ वो क्या? ये सेठ बिल्कुल बेवकूफ है, इसकी समझ में ऐसे नहीं आएगा। अच्छा तो ये बताओ ये क्या है? मियाँ ये तो लड्डू हैं। और ये क्या है? मियाँ ये बर्फी है। और सेठ जी ये क्या है? ये जलेबी है। तो ऐसा करो 2-2 किलो इसमें से तोल दो। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये लो जी। इनको इस कढ़ाई में डाल दो। जी ठीक है, ये लो जी। और 2 किलो इसमें से तोल दो। जी बिल्कुल। इनको भी कढ़ाई में डाल दो। अच्छा जी ये लो। अब तुम 2 किलो इसमें से और तोल दो। अच्छा जी अच्छा। आज तो कमाल हो गया, एक ही ग्राहक ने इतना सामान तुलवा लिया। ये लो मियाँ ये भी तुल गई। इनको भी कढ़ाई में डाल दो। ठीक है जी ये लो। और बताइए बड़ी मियाँ। और इसमें पूछने की क्या बात है, आपकी दुकान है, जितने प्रकार की मिठाइयां हैं सब में से 2-2 किलो तोल कर इस कढ़ाई में डाल दो। अभी लो मियाँ, ये लो मियाँ, मैंने सारी मिठाइयों में से तोल दिए, और कोई सेवा? हाँ अभी ये बताओ तुम्हारे पास दूध मिल जाएगा? जी बिल्कुल, ताजा दूध है मेरे पास। सारा दूध इस कढ़ाई में डाल दो। अच्छा जी ये लो। बड़ी मियाँ दूध भी डाल दिया। इससे क्या होता है सेठ जी? जी इसी से तो मिठाइयां तैयार होती हैं। अब इससे इनको चलाओ। लो जी लो, अभी चलाते हैं। अब क्या करें जी? अभी और चलाओ। जी बिल्कुल चलाते हैं। अभी और चलाना है इसे। अभी और भी चलाना है जी? हाँ जी। लो जी बिल्कुल चलाते हैं। अभी और चलाओ, जरा ढंग से चलाओ। अरे मियाँ कितना चलवाओगे, चलते चलते इसकी रबड़ी बन गई। क्या बन गई? अबे रबड़ी बन गई। क्या बन गई? रबड़ी बन गई रबड़ी। फिर कहना क्या बन गई? अबे इसकी रबड़ी बन गई। अच्छा दे दो तो आठाने की। क्या? हाँ सेठ जी, अम्मी ने आठाने की रबड़ी ही तो मंगाई थी, इसी का तो मैं नाम भूल गया था। अरे कम बगैर तो तूने इसके लिए मेरी सारी दुकान चौपट कर दी ना लाए।
मेरा सत्यानाश कर दिया। सेठ जी, रोना धोना बात कर में करना, कहीं ऐसा ना हो मैं फिर से इसका नाम भूल जाओ। पहले मेरी रबड़ी तोल दो। अबे मैं देता हूँ तेरी रबड़ी, रुक जा। ये ले रबड़ी, ये ले सेठ जी, ये ले, ये ले सेठ जी। अरे मैं तो बर्बाद हो गया। अरे बेटा ले आया रबड़ी। अम्मी जान तुम ऐसी चीज मत खा करो। क्यों? खाती तो मोर कमर मेरी टूटती है। क्या मतलब? तुम्हारी रबड़ी के चक्कर में हलवाई ने मेरी कमर तोड़ दी। इसका मतलब तू रबड़ी नहीं लाया? अगर मेरी जगह तुम होती तो तुम भी बिना रबड़ी लिए ही घर भाग आती। एक तो रबड़ी नहीं लाया, ऊपर से बातें और बना रिया है। ठहर जा, ये ले कमबख्त। ले ले, क्या ले कमबख्त? जवान चलाता जवान, कुछ काम ढंग का नहीं करता, कुछ काम ढंग का नहीं कर सकता तू। आज सुधारूंगी मैं तुझे कमबख्त, मारे मेरी किस्मत फोड़ दे। सेठ चिल्ली जी, अम्मी जान आज तो घर में चूल्हा जलाने के लिए कुछ भी नहीं है। तू ऐसा कर, इस बैल को ले जा और इसे बेचा। जी ठीक है, मैं इसे अभी बेचाता हूँ। एक काम करना, बाजार में ठग बहुत मिलते हैं, समझदारी से काम लेना, कहीं लूट पीट कर मत आ जाना। आप क्या बात कर रही हैं अम्मी जान, ठगों के व्यापार का तो मुझे बहुत बड़ा तजुर्बा है, भला कोई मुझे कैसे ठग सकता है। बस तुम ये बता दो बैल कितने में बेचना। 100 रुपये में बेच देना। जी ठीक है, समझो बैल 100 रुपये में बिक गया। अब मैं चलता हूँ, देखना सेठ चिल्ली का कमाल। पैसे संभाल कर लाना। मिया, बैल बेच रहे हो क्या? हाँ भाई जान, बेच रहे हैं। तो बताओ क्या लोगे? एकदम 100 रुपये लूंगा। 100 रुपये? जी बिल्कुल। मिया 100 रुपये तो बहुत ज्यादा हैं। देख लो मिया, लेना है तो 100 रुपये निकालो, वरना निकल लो ना सा। मिया हम तो उस बैल के 90 रुपये दे सकते। अपना काम कर, बड़ा आया बैल खरीदने वाला। अरे जब जेब में पैसे नहीं है तो सौदा करना कोई जरूरी है? चल निकल लेना सा। देख लो मिया, तुम्हें इससे ज्यादा पैसे बैल के बिल्कुल नहीं दूंगा। मैं कह रहा हूँ मेरा भेजा खराब मत कर, निकल जा यहाँ से, वरना अभी तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। बड़ा है बैल खरीदने वाला, कंगाल कहीं का, साले मुझे कोई नहीं ठग सकता। अरे मियाँ सेठ चिल्ली, इसे बेचने ले जा रहे हो क्या? और नहीं तो क्या, इसे फिल्म दिखाने ले जा रहा हूँ। मेरा मतलब है अगर बेच रहे हो तो बताओ क्या लोगे? कम ना ज्यादा, एकदम 100 रुपये लूंगा। 100 रुपये? कम ना ज्यादा। 100 रुपये तो ज्यादा मांग रहे हो मियाँ। तो क्या फ्री में दे दो? नहीं मियाँ, मैंने कब कहा फ्री में दे दो। तो फिर 90 रुपये ले लो। अबे तुम देश के कंगाल, आज यहीं इकट्ठे हो गए हो, किसी के पास पैसे हैं भी या नहीं? देख लो मिया, मैं इसके 90 रुपये से ज्यादा नहीं दूंगा। अबे तू अपना रास्ता देख, मैंने बहुत देखे हैं तेरे जैसे खरीददार। नहीं देते हो तो कोई बात नहीं मिया, चल चल निकल ले ना से। वो मुझे ही ठगने आया। जग्गू मिल गई मुर्गी, चल इसे हलाल करते ही। चलो चलो। अस्सलाम वालेकुम मिया। वालेकुम अस्सलाम भाईया। और सुनाओ मिया क्या हाल है?
बस भाईजान अल्लाह ताला का करम है। और क्या कारोबार चल रहा है भैया? भाईजान ये बैल बेचने जा रहे हूँ। लो जी लो, इससे बढ़िया क्या बात, तुम इसे बेचने जा रहे हो और हम बैल खरीदने जा रहे हैं। तो फिर देर किस बात की, हो जाए सौदा, क्यों मियो? जी ठीक है, हो जा। तो बतलाओ मियाँ, इस बैल के कितने पैसे लोगे? मियाँ घटाना बढ़ाना कुछ नहीं, एकदम 100 रुपए लूंगा। मियाँ जरा पैसे सोच समझ कर मांगो। भाईजान खुद सोच समझ कर ही पैसे मांग रहे हो? अबे 100 रुपए में तो नया बैल आ जाता है, इसकी तो खाल लटक रही है। अबे अपना काम कर, इससे ज्यादा तो तेरे अब्बू की खाल लटक रही होगी, ये उनसे महीने 2 महीने छोटा ही होगा। अबे मियाँ कुछ कम कर लो। एक अठन्नी कम नहीं करूंगा। मियाँ इसके सींग भी छोटे। अबे बड़े सींगों से क्या कुनबे को मरवाएगा? मियाँ कुछ कम करना पड़ेगा। चाराने कम नहीं करूंगा। मियाँ हम इसके 90 रुपए दे सकते। अबे रहने दे, क्या कह रिया, ये बैल तो बेकार है। क्यों? अबे देख इसका तो पेट फूट गया। क्या देख लो मियाँ। हैं? ये कैसे हो गया? मियाँ इसका पेट फूट गया। अभी ना तो तुम्हारे काम का ना हमारे काम का। बैल का पेट फूट गया, अब तो थोड़ी देर में ये मर जाएगा। क्यों ना इसके पैसे बना लूं? क्या सोच रहे हो मियाँ, अब ये बैल बचेगा नहीं। भाईजान चलो 90 रुपए में ही ये बैल ले लो। सुनो मियाँ, सौदा ऐसा नहीं होगा। तो फिर कैसे होगा? क्या बैल का सौदा चल रहा है भाईजान? बड़े मियाँ 100 रुपए मांग रहे हैं इस बैल के, हमने 90 रुपए लगा दिए हैं। सौदा तो तुम्हारा तय हो गया। भाईजान इसका पेट भी फूट रहा है। अच्छा जी भाईजान। अगर हमारी मानो तो कुछ हम भी कह दें। जी भाईजान आप बता दो। भाईजान हमें आपका सौदा मंजूर है। भाईजान ना तो बैल 100 रुपए में और ना ही बैल 90 रुपए में, बैल रहा 9 रुपए में। 9 रुपए में? सोच लो मियाँ, थोड़ी देर में बैल तुम्हारे हाथ से निकलने वाला है। थोड़ी देर में 9 रुपए भी तुम्हारे हाथ से जाते रहेंगे। जल्दी करो मियाँ। लाओ लाओ भाईजान, जल्दी लाओ 9 रुपए। ये लो भाईजान। लाओ जी लाओ, और ये बैल तुम्हारा। मुझे ठगने आए थे? कैसा बेवकूफ बनाया मैंने, फूटे पेट का बैल चपेट दिया। तो आइएगा, अपना भविष्य जानिए, आइएगा अपना भविष्य जानिए, शादी विवाह व्यापार संतान के विषय में जानिए, ग्रह नक्षत्रों के बारे में जानिए, आइएगा अपना भविष्य जानिए, अपना भविष्य जानिए, आइएगा चले आइए, आइए अपना भविष्य जानिए, शादी विवाह व्यापार कोर्ट कचहरी संतान के बारे में जानिएगा, आइएगा अपना भविष्य जानिए। हैं? ये तो सब कुछ जानने वाला है, क्यों ना मैं इसे अपने दिन दिखा लूं? आप इंसान के साथ होने वाली घटनाएं बता देते हैं। बच्चे हमारा नाम मलुआ भगत, वल्द कलुआ भगत, दादा सकटुआ भगत, पर दादा मटुआ भगत लगातार 7 पीढ़ियों से यही काम करते आ रहे हैं। तो इंसान के भविष्य के बारे में हमसे ज्यादा कौन जान सकता है बच्चा? आप मुझे भी बताएंगे कि मेरे ऊपर कैसी ग्रह चल रही हैं? यहां बैठ जाओ बच्चा। तुम्हारा नाम? जी शेख चिल्ली। शेख चिल्ली? मकतुरा, नीचे दही ऊपर बूरा, काली काली महाकाली, काल के परमेश्वरी, दुष्टनी दाहिनी कलंकनी। छोड़ दे, मैं कहता हूं छोड़ दे, छोड़ दे इस बच्चे को, नहीं तो तुझे मैं अपनी शक्तियों में कैद कर लूंगा,
छोड़ दे इस बच्चे को। बच्चा, तेरे ऊपर दुष्टनी दाहिनी का बहुत बड़ा साया है, जिससे तेरे घर का सर्वनाश हो जाएगा बच्चा। क्या? हाँ, इससे तेरी और तेरी माँ की मृत्यु निश्चित है। नहीं नहीं भगत जी, ऐसा मत कहिए। ऐसा मैं नहीं, तेरे ऊपर जो मौत की काली छाया बैठी है वो कह रही है। भगत जी, भगत जी, आप मुझे और मेरी अम्मी जान को बचा लीजिए। तू भी मरेगा। तेरी माँ भी मरेगी। भगत जी, भगत जी, हमें बचा लो, भगत जी हमें बचा लो। कितने पैसे हैं तेरे पास? भगत जी, है? भगत जी 9 रुपए हैं। 9 रुपए? इतने बड़े काम की कीमत 9 रुपए? क्यों चेला, कितना इनाम लेते हैं हम इतने बड़े काम का? गुरुजी 100 रुपया। सुना, 100 रुपया, और वो भी इसलिए कि यहां से 100-100 कोस दूर जब दुष्टनी दाहनी किसी को खाने जाती है तो सियाने भगत कहते हैं कि चली जा, चली जा, नहीं तो मलुआ भगत आ जाएगा। और तूने हमारे काम की कीमत 9 रुपए लगाकर हमारा पूरा नाम मिट्टी में मिलाई थी। सजा दूंगा मैं इतने पैसे में भी दुष्टनी दाहनी को सजा दूंगा। निकाल जल्दी 9 रुपया। लो जी, अब जल्दी से दुष्टनी डाहनी को खा जाओ भगत जी, खा जाओ दुष्टनी डाहनी को। बहुत डरता है मलुआ भगत के होते हुए कोई डरने की बात नहीं, अभी तेरा काम खत्म किए देता हूँ। मेरा मतलब है तेरे सारे कष्ट अपने ऊपर लिए लेता हूँ। हाँ भगत जी, अपने ऊपर ले लो। काली काली महाकाली, काल के कलंकनी दुष्टनी डहनी, जितनी भी सारी यहां से निकल जाओ, नहीं तो मलुआ भगत का क्रोध तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेगा। अब तू यहां से सीधा अपने घर को चला जा और पीछे मुड़ के मत देखो। ठीक है जी, ठीक है, मैं घर चला जाता हूं। अम्मी जान हैं? अम्मी जान तो मर गई। अम्मी जान तुम मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चली गई? अम्मी जान, अब मैं कैसे करूंगा? अम्मी जान, मैंने तुम्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन भगत जी ने जब तक इंतजाम किया उससे पहले ही दुष्टनी डाहिनी तुमको खा गई। आय अल्लाह, ये क्या हो गया? तू मुझे भी उठा ले अम्मी जान। क्यों रे, रो क्यों रिया है? हैं? अम्मी जान तुम जिंदा हो? मैं सोच रहा था कि तुम मर गई हो। अरे कमबख्त, तू मेरे मरने से ही खुश है क्या? नहीं 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 अम्मी, ऐसा मत बोलो। चल छोड़, ये बता, बेचाया बैल? हाँ अम्मी जान, बेचाया। किसी के ठगने में तो नहीं आया? अम्मी जान, मेरा नाम शेख चिल्ली है, और शेख चिल्ली को ठगने वाला भला कोई हो सकता है? मेरे बेटे, तू तो वाकई समझदार हो गया है। अम्मी तुम्हें नहीं पता, रास्ते में हमारे बैल का पेट फूट गया था। क्या? हाँ। फिर मैंने अपना बैल 2 बेवकूफों को लपेट दिया। फ्री में? नहीं नहीं, पैसों में। तो क्या तूने बैल को 100 रुपए में ही बेच दिया? आप भी कमाल करती हो, फूटे पेट के बैल के कोई 100 रुपए दे देगा? तो कुछ कम पैसे में बेच दिया। खैर कोई बात नहीं, मुझे रसोई के लिए आटा दाल मंगवाना है, ला पैसे दे दे। पैसे? हाँ हाँ पैसे। लेकिन अम्मी पैसे तो मेरे पास है ही नहीं। क्यों, कहाँ फेंकाया पैसे? भला मैं
पैसे कहीं फेंक सकता हूँ। लेकिन पैसे हैं कहाँ? आज अगर मेरी जेब में पैसे नहीं होते तो दुष्टनी डाहिनी तुमको और मुझे खा जाती। क्या? वो तो भगत जी ने सारी व्याधा अपने ऊपर ले ली। अरे बेवकूफ, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रही, साफ साफ बता क्या बात है। अरे कमबख्त मारे, तू तो लुटाया। क्या? उस भगत के बच्चे ने तेरा बेवकूफ बनाकर तुझसे सारे पैसे उतार लिए। तुम्हारा मतलब है उसने मुझे ठग लिया? और नहीं तो क्या, मैं देखती हूँ उस भगत के बच्चे को। चल मेरे साथ, मुझे बता कहाँ मिला था। चलो अम्मी चलो, साले को अभी पकड़ते हैं। ऐसा क्या करूं जिससे जल्दी से जल्दी मेरा निकाह हो जाए, मेरे सपनों की शहजादी जल्दी ही मेरे घर आ जाए और मेरी बीवी भी ऐसी हो जिसे देखते ही सारे गांव में शोर हो जाए। मगर ऐसी लड़की इतनी सुंदर कहाँ मिलेगी। और मेरी हिना, हाँ हिना से निकाह कर लूंगा, मगर हिना कहाँ होगी, कैसी होगी। वाले मेरे सपने लगा।
दुल्हन बना। ऐसी जल्दी है क्या मियां ठहरो जरा, मुझे दिल्ली बरेली बनारस घुमा। मेहंदी लगा डोली में बिठा, तुझे घर अपने ले जाऊं दुल्हन बना। ऐसी मेरी जाने मन, मेरे सपनों की सहजादी, तुम कहाँ चली गई हो? कहाँ थी तुम हिना? हैं? कहाँ थी हिना तुम? क्यों रे? घर में कोई साबुत सामान छोड़ेगा या नहीं? हैं? हिना कहाँ चली गई? कहाँ गई हिना? हिना, हिना। अच्छा, तो सर पर बीवी का भूत सवार है? अरे कलमुए, तेरे जैसे पागल के साथ अपनी बेटी का निकाह कौन करेगा? ये शादीवादी का चक्कर छोड़ और किसी काम की तलाश में चला जा। ठीक है अम्मी जान, मैं अभी काम की तलाश में जा रहा हूँ। पता नहीं ये कमबख्त किस दिन कमाने खाने लायक होगा। बच्चों, कल जो हमने तुम्हें सीता स्वयंवर का पाठ पढ़ाया था, क्या सभी को याद हो गया है? हाँ जी। अच्छा, तो हम तुमसे उसी पाठ में से एक सवाल पूछते हैं। मधु, तुम खड़े हो जाओ। मधु, बताओ भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा? मास्टर जी, मैंने नहीं तोड़ा। अबे नालायक, ये बता धनुष किसने तोड़ा? मास्टर जी, मैंने नहीं तोड़ा। अबे गधे, कल मैंने सीता स्वयंवर में पढ़ाया था ना? हाँ जी। तो फिर बता धनुष किसने तोड़ा, नहीं तो तेरी खाल उधेड़ दूंगा। मास्टर जी, अम्मा की कसम, मैंने नहीं तोड़ा। अबे किसने तोड़ा? मास्टर जी, सकटुआ का लड़का बहुत शरारती है, उसी ने तोड़ दिया होएगा। उन्हीं के पट्टे, मैं बताता हूँ तुझे, इधर आ। गधे से इंसान बनाना तो मुझे आता है। हैं? ये मास्टर जी गधे से इंसान बनाना जानते हैं? क्यों ना अपने गधे को इंसान बनवा लूं? इंसान बनकर कमाता रहेगा, मैं आराम से बैठकर खाता रहूंगा। मास्टर जी, आप गधे से इंसान बनाना जानते हैं ना? अबे इसमें भी कोई शक है? तो मास्टर जी, मेरे गधे का इंसान बना दो। अरे भाई, ऐसे गधे का इंसान बनाने वाली कोई बात नहीं है। नहीं नहीं मास्टर जी, जो पैसे लगेंगे मैं दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे गधे का इंसान बनाना ही होगा। अरे क्या आफत गले पड़ गई। बना दो ना मास्टर जी, बना दो ना मेरे गधे का इंसान। लगता है बिल्कुल ही पागल है, ये ऐसे नहीं मानेगा। मास्टर जी बनाइए ना मास्टर जी। अरे ठहरो भाई, ठहरो। तुम्हें अपने गधे का इंसान बनवाना है? जी बिल्कुल। तो तुम ऐसा करो, इस गधे को यहाँ बांध दो। ठीक है जी, बांध देते हैं। अब ऐसा करो, ठीक 2 घंटे बाद आना, तुम्हारा गधा इंसान बना हुआ मिलेगा। जी बिल्कुल ठीक है जी, हम 2 घंटे बाद ही आएंगे। मास्टर जी ऐसा करना, इसे थोड़ा पढ़ा लिखा और देना। अरे तुम इस बात की कोई चिंता मत करो, जाओ। इस गधे को खोलकर भगा दो। बहुत घना टाइम हो लिया, अब चलता हूं। मेरा गधा तो बन गया होगा इंसान, चलता हूं अब। अरे मियां आ गए? हाँ जी, आपने हमारे गधे का इंसान बना दिया ना? अरे मियां, तुम्हारा गधा पढ़ा लिखा दिया और इंसान बना दिया।
अच्छा तो मास्टर जी जरा मुझे दिखलाओ तो सही, वो है कहाँ? अरे मिया अपनी गधे को क्या पूछते हो, पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बन गया है। अच्छा? हाँ वो तो पुलिस में भर्ती हो गया और सलेमपुर थाने में दरोगा है। अच्छा जी, सलेमपुर थाने में दरोगा है? जल्दी जाओ और मिलाओ। ठीक है जी, ठीक है मास्टर जी, लेकिन तुम्हारी फीस? अरे छोड़ो मियाँ फीस वीस, बस तुम अपने गधे से जाकर मिल लो। जी आज ही मिल लेते हैं, आज ही मिल लूंगा मैं उससे जाके। खुदा हाफिज। ठीक है जाओ। क्यों रे, इतना बड़ा आदमी हो गया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आंखों से छोटे बड़े की शर्म लिहाज बिल्कुल निकाल दी जाए। क्यों भाई, कौन है तू? अच्छा अब तो हमसे ये कह रहा कौन है हम, अब क्यों पहचानेगा? अरे नालायक, तू जानता है किससे बात कर रहा है? तुझे कैसे भूल सकता हूँ, तू ही तो इस वर्दी में आकर अपनी औकात भूल रहा है। इससे तो तभी अच्छा था जब सामान लाद लाद कर तेरी कमर तोड़ रखी थी मैंने। अबे मैं कह रहा हूँ निकल जाए यहाँ से, वरना तेरी खाल उधेड़ दूंगा। खाल तो मैं तेरी उधेड़ूंगा, तुझे पता है आज तू जिस कुर्सी पर बैठा है, जो वर्दी तूने पहन रखी है, इसको दिलवाने वाला कौन है? हैं? उठकर दुआ सलाम करने से तो रहा, बल्कि हमारी खाल उधेड़ने की बात और कर रहा है। चल तू घर चल, तेरी खबर लेता हूँ। अबे उल्लू के पट्टे, कहां से आ गया तू? अबे नालायक, गधे से इंसान बन गया मगर लात मारने की आदत अब भी नहीं भूला। इस बार तो कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे ढेर सारा रुपया एक ही बार में इकट्ठा हो जाए। ऐसा क्या करूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। खैर कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा, जिससे किसी अच्छे घर की लड़की से शादी हो जाए। शादी? यार क्या गजब का काम समझ में आया है। दुनिया में जाने कितने लड़के हमारी तरह कंवारे बैठे हैं, क्यों ना उनकी शादी का ही व्यापार शुरू कर दूं? अगर चार शादियां भी करा दी तो ढेर सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा। क्या तरकीब है, यह ठीक रहेगा, मैं आज से ही व्यापार शुरू किए देता हूं। चलो मियाँ, चलो व्यापार शुरू करते। देखो क्या गजब का काम है, कहीं आना ना जाना, बस यहीं बैठे बैठे काम अपने आप ही चलता रहेगा, ग्राहक अपने आप ही टकराएंगे। अरे किसको बीवी की जरूरत नहीं है, दुनिया में कवारों की भरमार है। रिश्ते ही रिश्ते, वहां जी वहां, ये आदमी बढ़िया मिला, इसके लिए मैं तो जाने कब से भटक रहा था। अस्सलाम वालेकुम मियां। वालेकुम सलाम भाईजान, आइए बैठिए। मियां ये जो तुमने लिख रखा है रिश्ते ही रिश्ते, जरा इसके बारे में जानना था। भाईजान ये आपके मतलब की बात नहीं, ये तो उनके लिए है जिनकी शादी नहीं हुई है, जो कुआरे हैं, जिनको बीवी की जरूरत है। अरे मियां हम भी तो इसी रोग की मारे हैं। क्या मतलब, तुम अभी तक कुआरे हो? इंशाल्लाह तुमसे मिलकर लगता है अब ये रोग आसानी से कट जाएगा। तब तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं भाईजान, यहाँ आने पर समझो तुम्हारे सब कलेश कट गए। तो क्या तुम्हारे पास लौड़ियाओं का इंतजाम है भाई साहब? लौड़ियाँ? लौड़ियाओं की भरमार है मियाँ, एक से एक बढ़कर सुंदर सजीली ऐसी ऐसी लौड़ियाँ हैं जो एक बार देख ले देखता ही रह जाए। आप अपनी फरमाइश बताइए कि तुम्हें कैसी लौड़ियाँ चाहिए। मियाँ पहले आप ये बताइए कि आपके पास कैसी किस किस्म की लौड़ियाओं का इंतजाम है। गुलाबी गालों वाली? हाँ।
लंबे बालों वाली, ओए होए, तिरछे नैनों वाली, आय हाय, नागिन जैसी चाल वाली, आय हाय हाय। बस मियां मैं समझ गया, तुम्हारे पास हर किस्म की लौड़ियां मौजूद हैं। अरे मियां, ये तो सिर्फ सैंपल बताया। बस मियां, बस अब और नहीं, अब तो जल्दी से जल्दी मेरा निखां करा दो। खबीस एक साथ ही उतावला हो रहा। हाँ तो मियां ये बताइए, निकाह की रस्म कब अदा करा दूं? अजी नेकी और पूछ पूछ, मैं तो कह रहा हूँ ये सुमगणी आज ही होनी चाहिए। भाईजान इतनी जल्दी नहीं हो सकती। क्यों मियां? भाईजान इसके लिए हम पहले तुम्हें लौंडिया दिखाएंगे, फिर बातचीत शुरू होगी, तब कहीं जाके निकाह की रस्म पूरी होगी। इस काम में कितना समय लगेगा मियां? बस तुम लौंडिया दिखाने की फीस जमा कर दो। बतलाइए जी कितनी फीस जमा करनी होगी? 100 रुपया। ये लीजिए मियां अपनी फीस। ठीक है जी, ठीक है, आपकी फीस जमा किए देते हैं। आपका नाम? जी शेर खान। बल? शमशेर खान। उम्र? 40 वर्ष। अब मरने को जा रहा। क्या मतलब? मेरा मतलब है शादी की सही उम्र यही है। ठीक है तो भाईजान, आप कल इस पते पर आ जाना, तुम्हें लौंडिया दिखला देंगे। ठीक है जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज भाईजान। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, आज पहला दिन और आज ही काम ठीक रहा, आज तो अम्मी खुश हो जाएंगी। मैंने 100 रुपये तो ले लिए, लेकिन कल जब यह खबीस आएगा तो क्या होगा? लौंडिया तो हमारे पास है भी नहीं, क्या करना चाहिए कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो अभी तो कल बहुत दूर पड़ी है, कोई ना कोई तो हल निकल ही आएगा। अम्मी जान, अम्मी जान। क्यों रे, आज सुबह से कहाँ था? तेरा कुछ अता पता है कि नहीं? अम्मी जान मैं काम पर गया था। काम पर? हाँ, और पैसे कमा कर लाया हूँ। दिखा तो, कहाँ है पैसे? पहले आँख बंद करो। ले। ये लो, अब आँखें खोलो। ए? इतने सारे पैसे? ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखना, गड्डियाँ ही गड्डियाँ लाया करूँगा। मैंने व्यापार शुरू कर दिया है। व्यापार? हाँ। जरा मैं भी तो सुनूं, तूने क्या व्यापार शुरू किया है? दीवारों के भी कान होते हैं, धीरे से बताऊंगा। बेटा काम तो तूने वाकई बहुत अच्छा शुरू किया है। हाँ अम्मी, पर एक दिक्कत है। बता क्या दिक्कत है? फीस के 100 रुपये तो मैंने ले लिए हैं, लेकिन कल वो खबीस का बच्चा आएगा, उसको दिखाने के लिए तो हमारे पास में लौंडिया का इंतजाम नहीं है। अरे तो इसकी फिक्र ना कर, ये काम मैं तो चुटकियों में कर दूंगी, लड़की सिर्फ दिखानी ही तो है। हाँ बस दिखानी है अम्मी जान। तू कल आने दे उसे। अस्सलाम वालेकुम मियां। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, आइए आइए बैठिए। भाईजान यहाँ तक आने में कोई परेशानी तो नहीं आई? अरे नहीं मियां, हमें कोई परेशानी नहीं हुई, हम तो बस रास्ते में अपने होने वाली बीवी के ख्वाब देखते हुए आ रहे थे, पता नहीं मंजिल कब कट गई कुछ पता ही नहीं चला। बस तुम जल्दी से जल्दी हमारे दिल की शहजादी को रूबे रू होने दो। अजीज थोड़ा सब्र कीजिए, पानी लीजिए। हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं, बैठ जाओ। जी मैं ठीक हूँ। अरे नहीं नहीं, आप हमारी होने वाली बीवी हैं, हमारे पास आकर बैठी। क्या नाम है तुम्हारा? जी मलिका। मेरे दिल की मलिका, मेरे सपनों की मलिका, मेरी जिंदगी की मलिका, हमें तुम बहुत पसंद हो। मलिका तुम्हें भी हम पसंद आई या नहीं? ए मेरे परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो मलिका? अजी पहली मुलाकात है ना। नहीं नहीं मियां, हमें तो लगता है कि मलिका तुमसे शर्मा रही है, क्यों ना हम कुछ देर को कहीं बाहर घुमाएं, दो चार बातें कर लेंगे, इससे ठीक है एक दूसरे को जान भी लेंगे, क्या ख्याल है मियां?
जी चलिए। ठीक है तू मियां, हम अपनी बेगम के साथ थोड़ा सा सैर सपाटा कराएं, चलिए मल्लिका। मुझे इस खबीस की नीयत में खोट नजर आ रहा, मैं भी इसके पीछे पीछे चलता हूं। मल्लिका, जब से तुम हमारे सामने आई हो, ईशा अल्लाह, हम अपना दिल तुम्हें दे बैठे। इस पाजी की नीयत तो बिगड़ती ही जा रही है। कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहां ए हुजूर, कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहां ए हुजूर, अरे ये बंधन है प्यार का, कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहां ए हुजूर। कागज कलम दवात ला, लिख दूं दिल तेरे नाम करूं, कागज कलम दवात ला, लिख दूं दिल तेरे नाम करूं, दिल क्या तू जान भी मांगे तो दे दूं, दे दूं दे दूं ये पहला काम करूं, कागज कलम दवात ला, लिख दूं दिल तेरे नाम करूं, कागज कलम दवात ला, लिख दूं दिल तेरे नाम करूं। दगा नहीं देना जी, दगा नहीं देना, जमाना खराब है, दगा नहीं देना, दगा नहीं देना, दगा नहीं देना जी, दगा नहीं देना, जमाना खराब है, दगा नहीं देना, दगा नहीं देना। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, और ये वो गारू क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, निकला न करो रूप की रानी, धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए, मस्त मस्त आंख से छलकाओ न मदिरा, अरे मस्त मस्त आंख से छलकाओ न मदिरा, मधुशाला में ताला न पड़ जाए, धूप में निकला न करो रूप की रानी, काला न पड़ जाए। कर दुनिया में न देखा कोई और जुबा पर आज दिल की बात आ गई, तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और जुबा पर आज दिल की बात आ गई। Ha 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 ha
ओहो क्या हाल बना रखा है, कुछ नेती क्यों नहीं इस उम्र में, सांसे फूलने का क्या मतलब है? अबे खबीस, इस उम्र में सांसे नहीं फूलेंगी तो क्या जवानी में फूलेंगी? चलिए धीरे से उठना है, शाबाश। हाँ तो मल्लिका, हम कह रहे थे कि हम एक दूसरे के हो चुके हैं, तब ये दूरियां कैसी? अबे मैं कह रहा हूँ हद को पार मत करना। अजी दूरियां हमने कहा, दूरियां तो आपने बना रखी हैं। हैं? मैं तो इस पाजी को ही कह रहा था, पर लगता है अम्मी जान भी आपा खो बैठी हैं। अरे मियां आप यहाँ? भाई जान, अगर आपने एक दूसरे को अच्छी तरह जान लिया हो तो घर चलें? हाँ हाँ क्यों नहीं, चलिए। ये कम्बकत तो 100 रुपए देकर पीछे ही पड़ गया, अब इसको कैसे भगाऊं? हाँ ये ठीक रहेगा। अजी मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, वालेकुम अस्सलाम। अजी अब ये बताइए निकाह की रस्म कब अदा होगी? अरे मियाँ कमाल करते हो, सब ऐसे ही थोड़े हो जाएगा। तो कैसे होगा मियाँ? इसके लिए तुम्हारा बहुत खर्चा हो जाएगा। अजी खर्चे की फिक्र ना करो, बस हमें तो ये बताओ कि खर्चा होना कितना है। इस काम में तुम्हारे 5,000 रुपए खर्च हो जाएंगे। बस 5,000? अजी 5,000 को छोड़ो, मलका के लिए तो हम अपना सब कुछ दांव पर लगा देंगे। ये तो यहाँ तक उतारू है। ठीक है ठीक है, आप 5,000 रुपए जमा करो और हम मौलवी साहब से मिलकर निकाह की तारीख पक्की किए देते हैं। लो जी 5,000, अगर और जरूरत पड़े तो शर्माना मत। अब सीधे अपने घर जाओ। ठीक है मियाँ, पर निकाह की तैयारी जरा जोर तोड़ तरीके से करना। ठीक है ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मी जान, अम्मी जान कुछ सोचो, नहीं तो खबीस का बच्चा हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। अम्मी जान एक तरकीब तो मेरे दिमाग में आ रही है। बता जल्दी। क्यों ना मैं तुम्हारी शादी इस पाजी के साथ कर दूं? अरे चल चल, अब मेरी उम्र कोई शादी के लायक थोड़ी है, वैसे खिंची भी नहीं है। सोच लो, 5,000 हजम करने वाली बात है और तुम्हें उसके साथ थोड़ी रहना है। ठीक है तू उससे कह दे कल बारात लेकर आ जाए। अम्मी जान, अम्मी जान बारात आ गई, देखो बारात आ गई। वो कैसे लग रहे हैं घोड़ी पर? क्या मेरा मतलब है, आने दे, तू जा तैयारी कर। अस्सलाम वालेकुम मियां। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। आइए जी आइए, बैठिए। हाँ तो मियां, निकाह की रस्म अदा की जाएगी? जी बिल्कुल। मौलवी साहब जरा जल्दी कीजिए मियां, निकाह की रस्म पूरी हुई, अब लड़की को विदा कीजिए। जी ठीक है जी, अभी विदा किए देते हैं। बेटे की दुआएं लेती जा, बेटे की दुआएं लेती जा, जा तुझको पति बीमार मिले। बेटे की दुआएं लेती जा तुझको पति बीमार मिले, जाकर तू भी ना ठीक रहे, जाकर तू भी ना ठीक रहे, तुझे खांसी और बुखार बने। बेटे की दुआएं लेती जा तुझको पति बीमार मिले, जा तुझको पति बीमार मिले। निकल ले निकल ले, नहा से
निकल ले जल्दी। हाँ बहुत ज्यादा मुझे झाड़ू से मारती थी, रोज रोज मारती थी, आज कटा कलेश तेरा। नूरे नजर मेरे सपनों की सहजादी, अब रुख से पर्दा हटाओ, तुम्हारी प्यारी प्यारी आंखों का दीदार करने के लिए हम कब से बेकरार हैं। जाने मन बादलों में छुपा हुआ ये चांद अब अच्छा नहीं लगता। हमारे और आपके बीच में आने वाली दीवार को आप ही हटा दीजिए ना। इंशाअल्लाह हम अभी इसे तुम्हारे रुख से दूर किए देते हैं। पर्दा है पर्दा पर्दे के पीछे, पर्दा है पर्दा पर्दे के पीछे, पर्दा नसी तो बेपर्दा न कर दूं तो शेर खमेरा नाम नहीं है। पर्दा है पर्दा पर्दे के पीछे, पर्दा है पर्दा पर्दे के पीछे, पर्दा नसी तो बेपर्दा न कर दूं तो शेर खमेरा नाम नहीं है। पर्दा है पर्दा पर्दा है पर्दा पर्दा है पर्दा। पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। अल्लाह मेरी तौबा, 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 अल्लाह मेरी तौबा। पर्दा नसी को बेपर्दा न कर दूं तो शेर का मेरा इससे ज्यादा तो तेरे अबू की खाल लटक रही होगी, ये उनसे महीने दो महीने छोटा ही होगा। अबे भैया कुछ कम कर लो। एक अठन्नी कम नहीं करूंगा भैया, आज के सींग भी छोटे। अबे बड़े सींगों से क्या कुनबे घुमरवाए भैया, हम इसके 90 रुपए दे सकते। अबे रहने दे, क्या कह रिया, ये वेल तो बेकार है। क्यों? अबे देख इसका तो पेट फूट गया। क्या देख लो मिया। हैं? ये कैसे हो गया मिया, इसका पेट फूट गया। अभी ना तो तुम्हारे काम का ना हमारे काम का। बैल का पेट फूट गया, अब तो थोड़ी देर में ये मर जाएगा। क्यों ना इसके पैसे बना लूं? क्या सोच रहे हो मिया, अब ये बैल बचेगा नहीं। भाईजान चलो 90 रुपए में ही ये बैल ले लो।